जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत पारिवारिक न्यायालय में 16 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज सिंह गौतम की मौजूदगी में एक दूसरे को माल्यार्पण कर विदाई कराई गई, जिसके संबंध में पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज सिंह गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय में 98 मामले आए थे, जिनमें से 59 मामलों का निस्तारण हुआ है। वहीं 58 में से 16 पारिवारिक जोड़ों की आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक दूसरे को माल्यार्पण व गिफ्ट देकर विदाई की गई। उन्होंने बताया कि न्यायालय का हमेशा प्रयास रहता है कि सुलह समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण कर दिया जाए, लेकिन कुछ मामले 3 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिनका काउंसलिंग के माध्यम से प्रयास रहता है कि मामले का निस्तारण कर दिया जाए तथा पति और पत्नी को समझा बुझाकर वापस सुलह समझौता करा दिया जाए, जिससे परिवार टूटने से बच जाए। इस अवसर पर अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय रेणु सिंह सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने कहा, आप लोग एक दूसरे को पहना लें। ललिता इंद्र जी दुर्गावती हमारे लिए भी पहला है इसी वर्तिका और राजेश थोड़ी इधर देखो इधर देखो इधर देखो हम भी पार्टी को आपने दूसरे को पहनाया, आप लोग पहनाइए, थोड़े चेहरे पे प्रसन्नता रखिए। वाह भाई, चलिए बहुत अच्छा। अरे कहाँ जा रहे थे, पर कहाँ थी आप? आइए और क्यों इधर 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 फोटो आए फोटो इधर अच्छा सबसे थोड़ा मुस्कुराते रहिए, लोगों को लगे कि हाँ खुशी से जा रहे हैं। जैसे अभी देखिए दोनों लोगों ने किया है पहना दो। और कोई छूटा है? इधर देखिए कैमरे राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुआ था, पारिवारिक न्यायालय सर कितने मामले चल रहे थे, कितनों का निस्तारण हुआ? पारिवारिक न्यायालय में कुल 3 अदालतें रन कर रही हैं पीजेएफसी को जोड़ के, जहाँ पे 98 मुकदमे लगाए गए थे, जिसमें से 59 मामलों में निस्तारण अभी तक हो चुका है, बाकी से इसमें प्रक्रिया चल रही है, और 59 मामलों में 16 मामलों में फेयरवेल हुआ है, विदाई हुई है, जिनको
एक सम्मानजनक स्तर पे उनका सम्मान करते हुए उनको गिफ्ट देकर विदा किया गया है और अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं जितना अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कर सकें। सर लगभग कितने दिनों से ये सब मुकदमे चल रहे थे, काफ़ी लंबे समय से? यहाँ पे मुकदमों की स्थिति जो रहती है, हम लोग कोशिश करते हैं जितने प्राचीन और प्राचीनतम मामले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी निस्तारित करें, लेकिन कभी तभी भी मुकदमों की पेंडेंसी को देखते हुए एक साल, दो साल, तीन साल मुकदमे की पेंडेंसी हो जाती है और इन मामलों में हम लोग पूरा बराबर प्रयास करते रहते हैं काउंसलिंग करने का, समझाने का, मीडिएशन करने से। इस वजह से हम लोग भी इसमें बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहते कि अभी पार्टी आई है और तुरंत कड़ाई के साथ उसका निस्तारण कर दें। हम लोग अंतिम क्षण तक प्रयास करते हैं कि पति पत्नी में एक अच्छे संबंध बन जाए और अंतिम समय भी अगर वो पति पत्नी के रूप में विदा होकर जाके रहें। इसीलिए कभी कभी हम लोगों को इसमें एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है और ऐसे तो हम लोग पूरा यथाशीघ्र प्रयास करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जा सके।